हेलो एवरीवन, मैं थ्रमल में मैं तुषार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से मैं शुरू कर रहा हूं अरिथमेटिक पढ़ाना, जिसमें पहला टॉपिक मैं कवर करूंगा एवरेज, मतलब हिंदी में औसत बोलते हैं इसको। और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या कोई और मतलब कमीशन हो जो पेपर कराता है, वो एवरेज से क्वेश्चन आपको देगा ही देगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एवरेज से क्वेश्चन ना मिले आपको। और आप देखिएगा मेरा अरिथमेटिक पढ़ाने का तरीका भी आपको काफी पसंद आएगा, क्योंकि अरिथमेटिक में मैं फॉर्मूले वगैरह इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। हमेशा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो की चैप्टर की, उसी के थ्रू मैं आपको सारे क्वेश्चंस करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी तरीके देखते हैं क्या होता है एवरेज, समझते हैं क्या है। तो देखो, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो सब पर इक्वल है या सब में बराबर बटी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं क्या मतलब है इस बात का, फटाफट देखते हैं। ठीक है, ऐसी वैल्यू जो सब में बराबर बटी हुई, आप गौर से सुनिए इस बात को। अगर आपको इस बात का मतलब पता है, इस बराबर वाली बात जो मैं लाइन बोल रहा हूँ, तो एवरेज आपकी वाकई में मुट्ठी में है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं पहले आपको समझाता हूँ क्या होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज अगर मैं बता रहा हूँ क्या, एक ऐसी वैल्यू जो सब में बराबर बटी हुई है। ठीक है, तो देखो क्या मतलब है इस बात का। मान लेता हूँ एक क्रिकेटर है, आपके कहने पे मान लेते, नाम लेते धोनी जी ले लेते, चलो धोनी जी लगा रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ पहली बार में किसी को, नहीं तो मैं किसी को इज्जत नहीं देता ऐसे हाल ही में। धोनी मान लेते, धोनी, ठीक है, इसने पहले मैच में मारे 50 रन, अच्छे स्कोर मार गया वैसे, है ना, आईपीएल चल रहा है वैसे भी, मार ही रहा होगा, मैं तो आईपीएल देखो देखता नहीं हूँ। दूसरे मैच में से 0 मारे, भाई मेरे हाथ में कितनी मरवाऊ, 0 पे आउट करवा दी मैंने। फिर तीसरे हाथ में, वैसे मैं समझ रहा मैच फिक्सिंग कर रहा हूँ, मैं कहीं सोच रहा हूँ मेरे हाथ में है। हाँ ठीक है, 50-0, तीसरे मैच में मार लेते, चलो सेंचुरी मरवा देते। अब मैं अगर आपसे पूछूं या कोई जनता से पूछे, मेरे 3 मैचों में बताओ इसका एवरेज स्कोर क्या है, जनता आग बंद करके कहते हैं आप देखिए 50 है। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ 50 आया कैसे ये बताओ। तुम लोग कहोगे भैया काम करो ऐसे आया, मैं बता रहा हूँ, आप बोलोगे आप एक काम करो दोनों को ऐड करो, पहले तो 100+50 या जो भी रहना है इसके सबको ऐड करो। मैं बोलूंगा भैया ऐड कर दिए 150 आ गए, अब क्या करूं? आप बोलोगे आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, मैंने कहा ठीक है कर देता हूँ 3 से डिवाइड। ठीक है, मैं बोलूंगा इससे क्या होगा, आप बोलोगे 50 आएगा, ये इसका एवरेज। मैंने कहा इसका क्या मतलब है, आप बोलोगे अभी तो आपने खुद ही बोला एवरेज क्या होती है, ऐसी वैल्यू होती है जो सब पे बराबर बटी हुई है, यानी ये बोला। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही कह रहे हो, तो आप बोल रहे हो देखो 50 एक ऐसी वैल्यू जो सब पे बराबर बराबर है, 50 इस पे भी आ रहा है, 50 इस पे भी आ रहा है, 50 इस पे भी आ रहा है। ये तो इसका मतलब है एवरेज का, कि हमने क्या किया टोटल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था। 3 में क्यों किया, क्योंकि 3 ही मैच हुए हैं और हमसे एवरेज पूछ रहा है। एवरेज का मतलब और अच्छे से समझाता हूं मैं आपको, क्या है एवरेज माने ऐसी वैल्यू जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उन पे सब पे इक्वल रहे, क्या रहे उन पे सब पे इक्वल रहे। जैसे यहाँ पे मैचेस क्या है हमारी ऑब्जर्वेशन है, पहला मैच पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरा मैच दूसरी ऑब्जर्वेशन, तीसरा मैच तीसरी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप बस इस बात को दिमाग में बिठा लो, एवरेज क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो सारी ऑब्जर्वेशन पे क्या है बराबर है, आपकी एवरेज मुट्ठी में आ जाएगा वाकई में। ठीक है, और बिना किसी फॉर्मूले के बता रहा हूं ये बात मैं आपको। अब फिर भी यहां से आप एक बात बोलोगे, यहाँ पे जो हमने किया है कारनामा 150 / 3, आप ऐसे बोलोगे ठीक है तो मैं एवरेज की यहाँ पे एक यूनिवर्सल बात क्या बोल सकता हूँ, कि एवरेज मेरा क्या होता है अरिथमेटिक मीन होता है। क्या होता है ये, अरिथमेटिक मीन होता है। अब इस अरिथमेटिक मीन का मतलब भी बता देता हूँ मैं क्या होता है। अरिथमेटिक मीन माने होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या लिख लो कैसे निकालते हैं इसको निकालते हैं सम ऑफ, लिखवा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेलिटी है, बच्चों को बताना पड़ता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जबकि बच्चे इस बात को 5वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट अभी तक नहीं होगा, और एवरेज क्या होता है ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे, और आज के स्टॉप मतलब जो ये वीडियो है इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं उनको समझ ले अच्छे से, कैसे उन्हें टैकल करना है, हमें कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम करना क्वेश्चंस वगैरह, समझते हैं कुछ नए नए टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन से पहले एक दो बातें जान लो, कि सम करना आना चाहिए आपको सीरीज में, सीरीज में क्या करना चाहिए, आना चाहिए सम करना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको भी समझ में आ जाएगी बात। देखो जैसे मान लो कभी आपको ये पूछ ले जैसे 1+2+3+ ऐसे करके एन नंबर है, मान लो एन नंबर है, और आपसे बोले भाई इसमें आप क्या बताओ इनका सम बताओ, तो आपको सम का फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या होता है एन इंटू में एन प्लस 1/2। ऐसे ही एग्जामिनर कल को कोई ऐसा डाटा सेट कर सकता है जिसमें सीरीज कैसी बन रही हो, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर,
ऐसे ही चलते चलते आगे चल के एन के स्क्वायर, तो आपको इसका ही फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं इसको। इसको कैसे करते हैं, एन इंटू में एन प्लस वन अपॉन में टू एन प्लस वन अपॉन में सिक्स। यहां तक बात क्लियर है? कल को मान लो एग्जाम की बुद्धि ज्यादा ही फिर जाए और कतई वो भांग खा के आपको पेपर सेट करे और वो ऐसा डाटा सेट कर दे कि क्यूब बन जाए नीचे, क्या बन जाए, क्यूब बन जाए, ठीक है क्यूब बन जाए ऐसे एन क्यूब, तो फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले का स्क्वायर कर दो पहले वाले का। फॉर्मूले बेसिकली आपने अगर देखो पहले क्लास में पढ़ा है, पहले क्लास में से मतलब मेरा क्या दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं अच्छे से करिए तो मुझे जरूरत नहीं वैसे आपको ये सब पढ़ाने की, आपको पहले से ही पता होंगे सारी बातें, लेकिन लिखवाना पड़ता है क्योंकि पता नहीं कौन सा बच्चा पढ़ने आ रहा है। ठीक है फटाफट चलते हैं, यहां तक लिख लिया, नहीं लिखा था फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीन का, फटाफट ले लो, ठीक है ले लिया होगा स्क्रीनशॉट अब तो, चलो मैं डालता हूं फटाफट। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा सर मैं इन्हीं फॉर्मूले पे एक सवाल करा दूं जो बहुत बार पेपर में आया है, एक आध बार नहीं कहूंगा बहुत बार आया है, ठीक है। क्वेश्चन बता रहा हूं क्या आया है, फटाफट लिख रहा हूं क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन था, एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, अब देखो बाबा लिखूंगा नहीं फाइंड एवरेज, तुम्हें पता है एवरेज टॉपिक चल रहा है तो एवरेज ही निकालना है, एवरेज निकालना है किसका, वन टू टू थ्री 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 ऐसे लिखता जा रहा है और सेवन तक लास्ट तक लिखा है, सेवन में से सेवन टाइम लिखा है ना, सेवन सेवन तक पीछे भी सकता है सेवन 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 लिख रहा है, ठीक है लास्ट में सात बार सात लिख गया, चलो लिख देता हूँ सात बार, ये बच्चे कन्फ्यूज में ही रहेंगे भैया हमारे और कन्फ्यूजन हम होने नहीं देंगे बिल्कुल, ठीक है। तब कैसे, कई बच्चों ने तो क्या किया जैसे मैंने ये बताया, अभी मैं एक बात और बताऊंगा कि जब सीरीज पढ़ते हैं ना, जब हम सीरीज पढ़ते हैं तो एवरेज हमारा बीच वाला टर्म भी होता है, बीच वाला टर्म भी क्या होता है हमारा एवरेज, लेकिन वो तब बात होगी कि जब सीरीज हो एक एपी वाली हो, कैसी हो एपी वाली, क्योंकि स्क्वायर वगैरह ना काम नहीं करेगा वो फंडा, ठीक है इसीलिए आप मैंने अभी बात बताई नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ बीच वाली बात मैंने इसीलिए नहीं बताई क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कुछ स्क्वायर का वाली बात भी आएगी, स्क्वायर वाली बात मतलब आएगी, तो देखते हैं कैसे करेंगे। सवाल बहुत ही आसान है, आप एक बात बताओ, हमने अभी एक आपकी मेरी बात हुई कि एवरेज क्या होता है, जितना टोटल समय उसको टोटल ऑब्जर्वेशन में डिवाइड कर दो, बराबर बांट दो, ये तो बात हुई अभी आपकी मेरी, ठीक है हमारी बात भी आपकी बात हुई, तो आप बोलोगे क्या करोगे इसमें, अभी वन प्लस टू प्लस टू, ठीक है अब बार बार ऐसे लिखूंगा आप कहोगे दो दो कितना होता है चार, ऐसे एक चार लिखो प्लस तीन को तीन बार जोड़ोगे नौ, ऐसी करके सात को सात बार जोड़ोगे उनचास, मतलब बीच में चार पाँच छः भी है लेकिन ये बार बार में नीचे करोगे तो क्या आएगा, वन प्लस दो को दो बार जोड़ा दो ही, मतलब दो टर्म हो जाएंगे ना, दो दो बार आए तो दो टर्म हो गए, तीन तीन बार आए तो तीन टर्म हो गए, चार चार बार आएगा तो चार टर्म, सात सात बार आए तो सात टर्म हो गए। आप एक बात बताओ, जो भाई थोड़ा बहुत मेरी बुद्धि रखता है यहाँ पे, जो भाई थोड़ी बहुत बुद्धि रखता है उनको डायरेक्ट ऐड ना करने के बजाय थोड़ा दिमाग लगाएगा और बोलेगा अभी आपने जो फॉर्मूले लगाए ना बताए उनको इधर इन पर लगा लो, मैंने कहा ठीक है लगा लेते हैं, आप बोलोगे क्या भाई देखो ये क्या बनना है, वन प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दू, कौन सा वाला फॉर्मूला, एन इंटू में एन प्लस वन, ठीक है एन इंटू में एन प्लस वन इंटू में टू एन प्लस वन बाई सिक्स, भाई इसका सम ये आएगा, अभी हमने पढ़ा आपकी मेरी अभी बात हुई कि इनका अगर सम निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं स्क्वायर वाली बन रही हो, अरे पूरा डिवाइड हो रहा है किससे, वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसे सेवन तक जा रहा है, यानी एन टर्म्स का क्या करना है सम करना है, हो जाएगा एन इंटू में एन प्लस वन अपॉन में टू। अब भाई थोड़ा बहुत तो जानते ही होगे, ये भी नहीं जानते कि अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, जानते नहीं सब, तो आप बोलोगे एन से एन कट जाएगा, एन प्लस वन से एन प्लस वन कट जाएगा और टू से थ्री बार कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा टू एन प्लस वन बाई थ्री। ये बात अगर आप अब याद ही कर लो तो ज्यादा बढ़िया, मैं तो कहूंगा भी आपको याद रखने वाली बात है कि कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पांच भी हो सकता था, पांच पांच बार ही, कल को नौ नौ बार भी लिख सकता था, ग्यारह ग्यारह बार भी लिख सकता था, अब कुछ नहीं करना टू इंटू एन प्लस वन बाई थ्री करना, यहाँ एन कितना है सेवन है तो कितना होगा टू इंटू में सेवन प्लस वन बाय थ्री विच इज इक्वल टू फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन बाय थ्री, फाइव आंसर। क्लियर है भाई बात क्लियर है? अच्छा कई बच्चे पता है मैंने देखा इतने महाबेवकूफ हैं वो एक टर्म भी नहीं लग जाएंगे, अच्छा सात टर्म तो ये हो गए है ना, फिर इसके छह टर्म ही आएंगे तो बीच का टर्म निकालने में लग जाएंगे ऐसे गिनने में, अरे पागल हो गए। अब मैं तुम्हें बता दिया कैसे ये याद रखो बस ये वाली बात, अब एक ग्यारह तक दे बारह तक दे, ग्यारह बारह में कहां तक ढूंढोगे बीच का टर्म, तुम बताओ कहां तक ढूंढोगे, तो कुछ नहीं करना है कुछ भी दे दे ये तुम याद रख लो, अब मैं तुम्हारे सामने निकाल के भी दिखाया कैसे आया ये, और इसमें बस एन की वैल्यू रखो, ठीक है समझ में आगे बात, तो अब कल को वो एन कहीं तक भी लिख दे, आपको वैसे फॉर्मूला पता होना चाहिए, कुछ नहीं करना है फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है, ठीक है तो चलो ठीक है अब चलते हैं आगे और जानते हैं कुछ और नई बातें, ठीक है।
आई होप ये वाली बात तो समझ में आई गई होगी सबको, ठीक है। अब जानते हैं एक नई बात जो कि हमारी एपी से रिलेटेड। मान लो कल को एपी हो, एपी जानते क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ऐसी सीरीज जिसमें जो पहला टर्म होता है और जो दूसरा टर्म होता है, या दूसरे से जो तीसरा टर्म होता है, या जितने भी टर्म होते हैं उनका आपस में जो डिफरेंस है वो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे मान लो एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6 क्या है, एपी है कि नहीं है, एपी है कि नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब एवरेज निकालते हैं ना एवरेज, तो आप पहले निकाल के बताओ, मैं बाद में बताऊंगा, पहले निकालो। आप बोलो कैसे निकालो कि 6, 4, 10, 5, 3, 8, 2, 10 टोटल 20 आ रहा है। मैं कहूंगा हाँ टोटल 20 आ रहा है, डिवाइड बाई 5 कर दो, कहोगे 4 आ रहा है। आ रहा है, तो कौन सा टर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी बीच वाला टर्म है। कौन सा है, बीच वाला टर्म है। यानी आप बोलोगे जो सीरीज होती है ना, जो सीरीज होती है उसमें जो एवरेज होता है हमेशा क्या होता है, मिडल टर्म होता है। यानी बीच वाला टर्म क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, समझ नहीं होगी भाई कई लोगों को बात, तो समझ लो क्या होता है। ऐसा है मेरा गला गया सूख, तो बिल्कुल नहीं बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अभी जैसा हमने देखा तो थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही थी ना, तो हो रही है गला सूखने की वजह से, बट पानी अब इसको खत्म करके ही पियेंगे। देखो फटाफट क्या है, एक लेते हैं 10, ठीक है, फिर लेते हैं 12, फिर लेते हैं 14, ठीक है। अब एक बात बताओ, 10, 12, 14, ठीक है, इवन एक सीरीज होगी, देखो हर बार दो दो का गैप आ रहा है। अब मैं आपसे फिर से पूछूं कि भैया बताओ एवरेज कितना होगा, आप बोलोगे 14 + 12 = 26 + 10 = 36 डिवाइड बाई 3 12 आ रहा है। अगेन एवरेज क्या आया, 12 आया कि नहीं आया, एवरेज 12 आया कि नहीं आया, आप कहोगे बिल्कुल एवरेज 12 भी आ रहा है। मैं कह एक और सीरीज ले लो, बात समझ नहीं आई तो फिर कंक्लूजन भी लिखाऊंगा, फिर समझाओ तो अच्छे से क्या, ठीक है। एक सीरीज और ले लो, मान लेते 11, 13, 15, 17, 19 सही से नहीं बना, ठीक है। अब अगेन, अब तो मेरे को लगता नहीं ऐसे करने की जरूरत है। अब देखो बात वही है, सीरीज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी सब करना भी आपके लिए मुश्किल होता जाएगा, तो ये कह रहा हूँ सम करने में भी मुश्किल है, गलती होने के भी चांस है। तो देखना है कि सीरीज का बीच वाला टर्म देखो ना फटाफट, सीरीज का बीच वाला टर्म कौन सा है, 15 है, ये क्या होगा इसका एवरेज होगा, अब निकाल लेना। चलो ये तो हुई थोड़ी सी बातें, ठीक है, कि भाई मिडल वाला टर्म क्या होता है, एवरेज होता है। हमने देखा भी अभी मिडल वाला टर्म या एवरेज, तो लेते मिडल, मान लो कल को सीरीज बहुत लंबी हो और आपको मिडल वाला टर्म समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एपी में आप देखो डिफरेंस भी आ सकता है। मान लो तो अभी तो हम इवन ऑड सीरीज ले रहे हैं, कल कोई सीरीज ऐसी भी हो सकती है, आप देखो ऐसी 4, फिर 12 ऐसा समझ रहे हो, 8-8 के गैप है, फिर 20, अब जैसे आप बीच का टर्म निकालने में घूम जाओ, पता चला बीच का टर्म निकालना है मेरे को, तो इसके लिए भी एक तरीका है, ठीक है, सीरीज है कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 2 और 6 को ऐड करूं, आप बोलो कितना आएगा, यहां लिख रहा हूं 6 + 2 = 8 और डिवाइड बाय 2 कर दूं तो कितना आएगा, 8 / 4 = 2, 4 आएगा। अगेन एवरेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। या मैं 5 + 3 लूं, 5 + 3 तो 3 + 5 कितना आएगा, 8 / 2 करूंगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि इसका मतलब एवरेज तो हमारा पहला और आखिरी टर्म का जो एवरेज होता है वही हमारा एक्चुअल एवरेज भी होता है। मैं फिर समझा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ ये बात, मतलब आप यहाँ से ये बात कह सकते हो कि नहीं कह सकते कि जो हमारा पहला और आखिरी टर्म का एवरेज जो आएगा, अरिथमेटिक मीन आएगा, वही हमारा पूरी सीरीज का भी एवरेज होगा। नहीं बात समझ में, एक बार समझ लो, जैसे यहाँ देख लो ये 11 है, ये 19 है, ठीक है, दोनों को ऐड कर लो कितना आएगा, 30 आएगा और डिवाइड बाई 2 कर दो, 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ये मेरा एवरेज है कि नहीं है, एवरेज है ना, तो यही मैं कह रहा हूँ। तो एवरेज यहाँ से आप क्या बात लिख सकते हो, अगर सीरीज है कोई एपी है तो आप एवरेज यहाँ से क्या लिख सकते हो, एवरेज आप लिख सकते हो यहाँ से a + l/2, ठीक है। यानी a क्या है मेरा पहला टर्म, l क्या है मेरा लास्ट टर्म, और 2 क्या है मेरा, जैसे कि 2 का मीन निकालने तो डिवाइड करेंगे, ठीक है, या फिर और एवरेज क्या होता है मेरा, ऑलवेज द मिडल टर्म, ऑलवेज द मिडल टर्म। अच्छा, कई बच्चों को यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि भैया आपने ना अभी तक सारी ये ऑड ऑड नंबर वाली सीरीज ली है, अगर कल को इवन सीरीज हो तो कैसे, मतलब इवन नंबर्स हो, इवन नंबर्स मतलब ये टर्म्स इवन नहीं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, मेरा मतलब ये है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये बात जो लिखे ऑलवेज तो मिडल, ऑलवेज तो मिडल नंबर है ये, a + l / 2 ये तब भी लागू होगी, देख लो कैसे लागू होगी, आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, हवा में कुछ नहीं होगा, ठीक है, फटाफट देख लो। तो फटाफट देखते हैं क्या होगा, जैसे मान लेते एक सीरीज मैंने ले ली, आप जैसे आप कह रहे हो तो 2, 4, 6
अब देखो इवन हो गए ना टर्म्स, अब अगर टर्म इवन है आप बोल लोगे एवरेज, मैंने कहा बीच का आएगा ना नंबर, आप बोलोगे इसमें बीच का है, दो चार छह आठ बीच का तो कोई नंबर ही नहीं, तो मैंने कहा भाई इनके बीच में तो कुछ होगा नहीं होगा, मैं कहूंगा हाँ, आप बोलो क्या फाइव, मैं कहूँगा फाइव ही एवरेज है, बात खत्म, फाइव ही एवरेज है, करके देख लो, एट प्लस टू बाई टू फाइव आ रहा है कि नहीं आ रहा, आठ प्लस दो दस बटा दो करके फाइव आएगा नहीं आएगा, और करके देख लो चार छह से कर निकाल सकते हो, छह चार दस बटा दो करोगे तो भी यही आएगा। अच्छा है, एक और सीरीज देके दिखा देता हूँ, तो जरूरत है मेरे को नहीं लगता जरूरत है, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चनों पर, ठीक है। क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बात और जान लो, अब एक लास्ट बात और जान लो जो काफी काम आएगी आगे चल, ठीक है। एक बात मुझे बताओ कि कल को हमें एक ऐसा सवाल हो जिसमें एक इवन सीरीज हो या ऑड सीरीज हो, ठीक है, इवन सीरीज हो या ऑड सीरीज हो, मान लेते हैं इवन सीरीज है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये रहा, तीसरा टर्म ये रहा, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें हर अगर ये इवन है या ऑड है कोई भी सीरीज हो, तो एक टर्म से दूसरे टर्म पे जाने प्लस टू करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? ऐसे ही यहाँ से जब यहाँ जाएंगे यहाँ भी प्लस टू करना पड़ेगा, ये समझे बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा मुझे प्लस टू करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो भी प्लस टू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी इसके और इसके बीच का डिफरेंस बताओ, तो अभी तो सीरीज छोटी है, आप दो दो चार जोड़ के बता दोगे, कल को मान लो आठ तक हो ये एट नंबर हो, तो क्या बार बार दो दो जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे ना। तो आप एक बात बताओ, नंबर कितने हैं? ये तीन नंबर कितने हैं? तीन। ये गैप कितने आए? आए दो, ठीक है। तो गैप कितने आए? दो। और एक गैप की वैल्यू कितनी है? दो। एक गैप की वैल्यू भी कितनी है? दो। चलो मैं एक और नंबर लेता हूँ, क्योंकि दो दो से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं शायद, एक और नंबर ले लेते हैं, और यहाँ भी प्लस टू हो रहा है, हो रहा है। अब बताओ नंबर कितने हैं? चार। अब तो नंबर कितने हो गए? एक दो तीन चार, लिखने तो नंबर कितने? वन टू थ्री फोर है, नंबर कितने? चार। और अब हर एक में गैप कितने का? दो 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 का, ठीक है। तो अब आप बताओ, नंबर अगर चार है, गैप अगर तीन है, और हर एक गैप के लिए दो है, तो मैं इसका और इसका डिफरेंस पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यहाँ से आप एक बात कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट एंड लास्ट वो क्या आ रहा है? गैप एंड नंबर ऑफ गैप, बेसिकली नंबर ऑफ गैप, कितने गैप आ रहे हैं? एक दो तीन, इंटू में टू करना है बस, इंटू में क्या करना है? टू। अब ये नंबर ऑफ गैप कैसे निकाले? मैंने आपने अभी देखा कि चार नंबर हैं तो तीन गैप आ रहे हैं, दो नंबर है तो एक गैप है, तीन नंबर तो दो गैप है, तो हमेशा गैप क्या होगा? एन माइनस वन होगा। एन क्या है? नंबर, जितने नंबर होंगे उतने क्या होगा, उसमें एक कम कर देंगे तो हमारे क्या जाएगा? नंबर ऑफ गैप आ जाएंगे। बात क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, तब आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। फटाफट पहला क्वेश्चन देख रहे हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ नाइन कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 45, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, एसएससी में ये। तो देखो कैसे करेंगे, काफी बच्चे क्या नौ नंबर लिख लेंगे, फिर बीच वाले ऐसे मार्क करेंगे, अरे पागल हो क्या, घनचक करो क्या, बिल्कुल है ऐसे थोड़ा होता है पेपर में, ऐसे टाइम बर्बाद होता है। अगर टाइम बर्बाद करना है पेपर में तो करते रहो ऐसे, फिर ऐसे नहीं करना। देखो अभी हमारी आपकी बात हुई एवरेज जो होता है एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो ऑड सीरीज हो चाहे इवन सीरीज हो, है ना, लगातार अगर ऑड नंबर है, लगातार इवन नंबर है, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और हमने हमारी अभी आपकी बात हुई कि अगर इस तरह का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा तो एवरेज हमेशा बीच का नंबर ही होगा। तो आप एक बात हो, अगर एवरेज ऑफ नाइन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 45 है, तो नौ नंबर में बीच का नंबर कौन सा होगा? कोई बता सकता है बच्चा? पांचवा नंबर क्या होगा मेरा? बीच का नंबर होगा। यानी ये जो 45 लिख रहा है, इसके इधर प्लस पांच नंबर है और सॉरी प्लस चार नंबर है, और इसके इधर भी कितने प्लस चार नंबर है। अब एक बात बताओ, मेरे से लार्जेस्ट पूछा ना, यानी मुझे आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे जाना है, और आगे भी चार नंबर है। अब एक नंबर, ठीक है, आगे चार नंबर है, और क्या ऑड की सीरीज है, ठीक है। तो मैं सीधे कर दूंगा, चार दूनी आठ, इसे प्लस एट कर दूंगा, कितने आ जाएगा? 45 प्लस एट 53। देखो फिर से समझाता हूँ कैसे किया, ठीक है। क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ नाइन कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 45, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ये तो क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा अगर हमारी अभी आपकी बात हुई, अगर नौ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है ही बेसिकली, तो जो बीच का नंबर होगा वो एवरेज होगा। आप बोलोगे हाँ भैया पांचवा नंबर, यानी फिफ्थ नंबर जो होगा मेरा, फिफ्थ नंबर जो होगा वो मेरा क्या है? एवरेज होगा। यानी इसके इधर चार नंबर है, इसके इधर भी चार नंबर है, ठीक है।
अब मैंने कहा अच्छा अगर पांचवा नंबर तो 45 है, अब मुझे लार्जेस्ट निकालना है, नहीं आगे बढ़ना है और आगे भी चार नंबर, तो टोटल कितनी वैल्यू आगे बढ़ेगी, 4 × 8 8 डायरेक्ट एड कर दिया, 53 आंसर आ गया। कई बच्चे तो मैंने घनचक्कर ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिसमें पहले 47 लिखेंगे, अब चार नंबर तो कैसे आगे जाते हैं, फिर 49 लिखेंगे, फिर 51, फिर 53 पहुंचेंगे, अरे पागल हो गए हो क्या, ऐसे सवाल नहीं होते पेपर में। ठीक है अगला सवाल देखते हैं, एक और बहुत बढ़िया। ठीक है देखो क्वेश्चन ये है, एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 102, फाइंड डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। अगेन क्वेश्चन काफी आसान है बट बच्चे थोड़ी सी बेवकूफी कर जाते हैं इसमें हवर तो बढ़ में, और करते क्या है कि भाई बीच वाला टर्म मान लेते हैं 102, फिर आगे पीछे के नंबर निकालते हैं। नहीं अभी हमारी आपकी एक बात हुई थी कि अगर कोई कंसेक्यूटिव इवन सीरीज हो या ऑड सीरीज हो और मुझे डिफरेंस निकालना हो किन्हीं भी दो नंबर्स का आपस में बीच में, तो मैं क्या करूंगा उनके बीच के गैप्स देखूंगा और गैप्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर से वही वाली बात, मान लो 11 नंबर है, 1 2 3 चलो 4 भी एग्जाम्पल है 4, और मुझे मान लो इसके इसका डिफरेंस निकालना है इवन या ऑड सीरीज है, आप बोलोगे देखो +2 है, हर एक जगह +2 हो रहा है, और मुझे डायरेक्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कितनी बार ये +2 आ रहा है ये ऐड कर लूंगा, तो मैं कहूँगा कितनी बार आ रहा है उतनी बार आएगा जितनी बार एक गैप आ रहा हूँ, गैप कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, कैसे निकाल रहा था जितने भी नंबर होते हैं उसमें एक घटा देते हैं। अब एक बात बताओ नंबर यहाँ पे कितने हैं, एन की वैल्यू नंबर्स है मेरे पास 11, यहाँ पे गैप कितने आ जाएंगे 11 - 1 यानी 10। अभी बताया कैसे आया, क्योंकि हमेशा गैप क्या होते हैं कम होते हैं जितने नंबर होते हैं, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में, डिफरेंस आ जाएगा 10 × 2 = 20। अब इसमें क्या जरूरत है आप भी बताओ मेरे को, कोई जरूरत थी 102 के आगे के टर्म निकालने के पीछे के टर्म निकालने के, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे आंसर, और कितनी देर में आ सकते कर सकते थे 2 या 3 सेकंड में, केवल ये देखा 11 टर्म है डिफरेंस पूछा है 10 - 11 - 1 10 × 2 = 20 आंसर। ठीक है तो चलते एक और क्वेश्चन की तरफ फटाफट देखो, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 49 फाइंड लार्जेस्ट नंबर। अगेन क्वेश्चन बहुत आसान है, ऑप्शन आपके सामने है 89 91 93 87। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 5 सेकंड, देखते हैं कैसे करते हैं आप, हुआ किसी से नहीं हुआ चलो देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन वाकई बहुत आसान है, आप देखो एक बार, आप एक बात बताओ इसने मेरे को क्या बात बोली है, इसने मेरे को बोला है कि एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव नंबर इज 49, यानी अभी हमारी आपकी इतनी बार बात हो चुकी है, 3 सवाल भी हम कर चुके हैं कि एवरेज हमेशा क्या होगा बीच वाला टर्म होगा, सीरीज की बात चल रही है तो ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है एवरेज निकाल लेते हैं बीच वाला टर्म होगा, तो आप बोलोगे ठीक है, यानी 21वां टर्म जो होगा जो कि क्या है बीच का टर्म है, क्योंकि तो इसके आगे कितने मेरे 20 टर्म है +20 टर्म्स है, और इसके पीछे मेरे कितने +20 टर्म है कि नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये है कितना मेरा 21 टर्म, ये मेरा आया है 49, ये क्या है मेरा एवरेज है। ठीक है मुझे लार्जेस्ट निकालना है, लार्जेस्ट निकालने का मतलब मेरे भाइयों क्या है, लार्जेस्ट निकालने का मतलब है आगे की तरफ जाना, ठीक है मैं पीछे नंबर कम होंगे कॉन्सिक्यूटिव सीरीज है, तो आप बताओ यहाँ से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचा हूँ सीरीज में आगे कितने नंबर है, आप बोलोगे यहाँ से आगे भैया टोटल टर्म है 21। मैं कह रहा हूँ मुझे तो भैया लार्जेस्ट निकालना है, अगर गैप चल जाए पता बीच का कितना है तो मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, गैप कैसे चलेगा पता, अभी मैंने आपकी हमारी आपकी बात हुई क्या कि अगर 21 नंबर है तो गैप कितने होंगे 20 होंगे, गैप 20 होंगे, अब अगर गैप 20 है तो इनका डिफरेंस कितना होगा, आप बोलोगे 20 × 2 = 40, यानी लार्जेस्ट नंबर इसके बीच में गैप कितना है, लास्ट नंबर इसके बीच में गैप कितना है 40 का, +40 कर दीजिए, यानी कितना आएगा लास्ट टर्म सबसे ज्यादा 89 आएगा, ये क्या हमारा आंसर। क्या कुछ मुश्किल थी सवाल में, बस आपको क्या दिमाग लगाना था वही 21वें टर्म से और आगे तक जाना है, मेरे को टोटल कितने 21 नंबर है 20 गैप आएंगे, 20 गैप में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 10 में 40 जोड़ना, इतने कहना था, इसके लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं, मौके का आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एवरेज के अंदर सीरीज वाले क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें अप्रोच करते हैं, कैसे हम डिफरेंस निकालते हैं हाईएस्ट लार्जेस्ट या फिर सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालना हो और मैं एवरेज दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है और अब हम मिलेंगे अगले सेशन में जिसमें हम करेंगे एवरेज का एक यूनिवर्सल मेथड जो कि हर सवाल पे लगेगा। ठीक है जितने भी टाइप होते हैं एवरेज के लगभग हर सवाल में वो लगेगा ही लगेगा, और तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, थैंक यू सो मच, और अगर आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि आपके दोस्तों को भी चल सके पता कि कैसे हम एवरेज में सीरीज वाले क्वेश्चन अप्रोच करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।